बड़े पर्दे पर आ रहे हैं वरुण धवन लेकर फिल्म सुई धागा। उनके साथ है अनुष्का शर्मा। फिल्म है सुई धागा मेड इन इंडिया, जो कहानी है एक ऐसे कपल की जो अपने ही दम पे सिलाई बुनाई के ट्रेडिशनल आर्ट के जरिए इस दुनिया में अपना नाम कमाता है, अपनी पहचान बनाता है। इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। जैसे ये फिल्म सबसे पहले रणबीर कपूर को ऑफर हुई थी, उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनकी शूटिंग शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे ब्रह्मास्त्र के साथ। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो अनुष्का शर्मा के रोते हुए एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल हुए, उसे लेकर कई मीम्स भी बने। अनुष्का अपनी फिल्म सुई धागा को प्रमोट कर रही हैं लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से अपना काम नहीं रोका। पहली बार है जब वरुण धवन और अनुष्का शर्मा एक साथ काम कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर कपल नजर आ रहे हैं। इससे पहले अनुष्का शर्मा एज एन एंटरप्रेन्योर एक फिल्म में नजर आ चुकी हैं रणवीर सिंह के साथ। फिल्म थी बैंड बाजा बारात। वरुण धवन इस फिल्म में टेलर बने हैं जो कि मध्य प्रदेश के चंदेरी एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पर हैंडलूम का कारोबार किया जाता है। वरुण धवन खुद चंदेरी गए, वहां के हैंडलूम एक्सपर्ट से उन्होंने कपड़ों का डाई करना, कपड़ों का सिलना, हर चीज को खुद करके देखा और सीखा ताकि वो ऑन स्क्रीन इस कैरेक्टर को आराम से प्ले कर सकें। ये पहली बार है जब अनुष्का और वरुण साथ काम कर रहे हैं। ये फिल्म सितंबर में रिलीज हो रही है, जैसे 2017 में वरुण धवन की फिल्म जुड़वा 2 रिलीज हुई थी। इस फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स ने सुई धागा चैलेंज की शुरुआत की है, जिसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज को सुई में धागा डालने का चैलेंज दिया जा रहा है।